कहाँ चली हवा के घोड़े पर सवार होकर? लगता मोहल्ले में नहीं आई हो। किसी भी खिदमत की जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा, बंदा हाजिर है। कहाँ चली? अभी तो आई है। हमें जाने दो। एक शर्त पे जाने दूंगा, पहले वादा करो कि नंबर दो और रात को फोन पे बात करूंगी। रुको तो सही। जाने दो हमें। कहाँ जाने दो, अभी तो आई हो। मसला क्या है? और तुम्हारा क्या मसला है, जा। मसला नहीं है ना तो मसला बना दूंगा। अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकोगे, समझे? और लड़की चली गई तेरी वजह से, जा। अरे एक मिनट, क्या हो गया? जोर जोर से कौन दरवाजा बजाता है भाई, एक सेकंड। अरे हाँ, आज तो नवाबजादी आई है हमारे घर में, तो हमारे घर की तो किस्मत ही जाग गई। क्या हुआ, कैसे आना हुआ? ओ इधर, क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो भाई? अच्छा ओके, एक सेकंड बैठो बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ, एक सेकंड। ये लो पानी पियो। क्या हुआ? वो बाहर। बाहर क्या? वो बाहर हमारी वजह से झगड़ा हो गया। पूरी बात बताना, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। वो हम तुम्हारी तरफ आ रहे थे कि रास्ते में अचानक एक लड़का मोटरसाइकिल में हमारे आगे आ गया। और उसने उस लड़के को खूब मारा, फिर हम भागते हुए तुम्हारे घर आ गए। इतनी सी बात, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने कहा पता नहीं कौन सी आफत टूट पड़ी है। ये इतनी सी बात है? ये बात हमारी फूफा तक पहुंच गई तो वो बहुत नाराज होंगे, वो तो हमें छत पर भी नहीं जाने देते। और दादा जान तो हमें फांसी पर लटका देंगे। और उन्हें ये सब बताएगा कौन? तुमने तो ये बात सिर्फ मुझे बताई है ना, और तो किसी को नहीं बताई। और मैं तो उन्हें बताऊंगी नहीं, तो इसमें इतनी फिक्र करने की क्या बात है? वो तो ठीक है, लेकिन वो लड़का आखिर था कौन और उसका मकसद क्या था? जो भी था, तुम प्लीज परेशान मत हो, अपना चेहरा देखो जरा। तुम हवाइयां उड़ी हैं चेहरे पे, अपना चेहरा ठीक करो। कैसा छोटा चिड़िया जैसा दिल है तुम्हारा यार। पानी पियो, मैं चाय लेकर आ रही हूं। कोई भी नहीं आएगा, इतनी परेशान मत हो, आराम से बैठो।